गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज का जो पेपर हुआ है पेपर टू का, इसके एसेज और सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके पहले पुलवामा में जो अटैक हुआ, दैट वॉज वेरी कॉवर्डली अटैक, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। उसमें सबसे खराब बात क्या है पता है, लड़ने का मौका भी नहीं मिला। बट द सबसे बुरा द प्रॉब्लम इज ऐसे वाले अटैक्स, दीज आर अटैक्स ड्यू टू द डेस्परेशन। जैश ए मोहम्मद हो गया या जो भी पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कश्मीरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अभी वहां पे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग एनी हेडवे। ऊपर से जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके बाद उनके ऊपर जो प्रेशर बना है, सर्जिकल स्ट्राइक में बहुत सारे टेररिस्ट लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो जो प्रेशर बना हुआ है तो उसको काउंटर करने के लिए, खुद का मोरल रेज करने के लिए किया हुआ अटैक था। अभी तक सुसाइड बॉम्बिंग ऐसे टाइप का इंडिया में बहुत सालों के बाद हुआ है। बहुत सारे लोग, मीडिया में भी बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग इन माई पर्सनल ओपिनियन। क्योंकि वहां पे बहुत लोग बोलते हैं कि ऑपरेशनल डिफिशियंसी था, ज्यादा ठीक से केयर नहीं किया गया, ऑपरेशन ठीक से नहीं किया गया, इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, इंटेलिजेंस इनपुट था लेकिन उसको निग्लेक्ट कर दिया गया। ऐसा नहीं होता है, इंटेलिजेंस इनपुट ऐसे वाले मामलों में बहुत स्पेसिफिक होता नहीं है। इतना बड़ा मूवमेंट करना है, कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा आइसोलेशन में किया जाए। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट ऑल दीज थिंग्स। रास्ते से हजारों गाड़ियां चल रही है, आप बोलोगे कि अरे गाड़ी चेक करना है, विच इज नॉट इवन पॉसिबल। आरओपी वॉज ऑलरेडी डिप्लॉयड, आरओपी मतलब रोड ओपनिंग पार्टी जिसको बोलते हैं, वो ऑलरेडी डिप्लॉयड था। दे इन माय ओपिनियन दे देमसेल्व्स हैव टेकन सफिशिएंट प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड सच काइंड ऑफ इंस्टेंसेस। लेकिन ये वाले इंस्टेंसेस इतने रेयर है, अभी ये मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, एक कार लेके कोई अंदर घुस जाएगा, हर एक कार आप चेक कर नहीं सकते क्योंकि कश्मीर का सिचुएशन इज वेरी वोलाटाइल। अभी हर एक कार चेक करना शुरू कर दिया तो वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, प्रोटेस्ट शुरू हो गया तो सिचुएशन और वोलाटाइल, वायलेंस बढ़ जाता है। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए आई थिंक लास्ट ईयर से उन्होंने सब कुछ, हर एक चीज को चेक करना बंद कर दिया था। इसके पहले एक डेढ़ साल पहले मूवमेंट चलता था, जब मिलिट्री मूवमेंट कुछ भी हो रहा है तो रास्ते में से बाकी लोगों को अलाव ही नहीं करना। आपको भी फ्रस्ट्रेशन आता है ना, वीआईपी जा रहा है रास्ता बंद कर दिया, चीफ मिनिस्टर आने वाला रहता है तो रास्ता बंद कर देते ना, पीएम आने वाला, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? और वहां पे तो रोज ही चल रहा है तो वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए यह सब किया था। ऐसा टाइप का लास्ट इंसिडेंस 10-15 साल पहले हुआ था, उसके बाद डायरेक्टली कार लेके एक्सक्लूसिव ले जाना ये नहीं था। तो सिक्योरिटी एजेंसी में भी जो सबसे प्रैक्टिकल, सबसे ज्यादा मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं, मोड ऑफ ऑपरेशन जो करंटली जैसे चल रहा है उसके प्रेडिक्शन के हिसाब से प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। सिक्योरिटी कैन नेवर बी 100%, थियोरेटिकली इट कैन बी बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट इवन पॉसिबल। कितने लोग लगा के रखेंगे, कितने चॉपर लगाएंगे, कहां कहां से प्रिवेंट करेंगे, दैट इज द प्रॉब्लम विद द फिदाइन अटैक्स। सो एवरीबडी इज वरीड अबाउट फिदाइन अटैक्स। फिदाइन अटैक्स मतलब सुसाइड बॉम्बर्स है, वो मरने के लिए आ रहा है तो उसको अभी डरा ही नहीं सकते आप, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जो सुसाइड बॉम्बर है आप बाकी लोगों को बंदूक लेकर डरा सकते हो, वो डर ही नहीं रहा है। एंड दे उनको सबसे ज्यादा से ज्यादा डैमेज करना है, मॉरल डाउन करना है और कुछ नहीं करना है, तो प्रेशर बना के रखना है। तो दीज काइंड्स ऑफ एक्ट्स आर एक्ट्स ऑफ डेस्परेशन, कंप्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता। हम लोग, हमारे सीआरपीएफ के जो जवान है, सीआरपीएफ है, सभी फोर्सेस से हम लोग सॉलिडारिटी मेंटेन करते हैं एंड वी स्टैंड टुगेदर। और जल्द ही इसका जवाब भी दिया जाएगा। प्रेशर बहुत ज्यादा है कश्मीर में सभी के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर भी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर भी, लोकल्स के ऊपर भी। अभी आप देखोगे कल आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने वॉलंटरीली मोर्चा निकाला था, नारे दिए थे पाकिस्तान मुर्दाबाद के एंड दे हैव एक्सप्रेस देयर सॉलिडारिटी विद इंडिया। जवान हमारे हैं, जवान इंडियन है तो हम लोग इंडिया के साथ है, पाकिस्तान अगर ऐसे हरकतें करता है तो विच इज वेरी रॉन्ग। और इंडियन मुस्लिम्स ने भी उसको अच्छा खासा पब्लिक मार्च निकाल के, प्रोटेस्ट मार्च निकाल के सॉलिडारिटी दिखाया, विच इज अ वेरी गुड स्टेप कंसिडरिंग करंट वोलाटाइल सिचुएशन इन इंडिया। लेकिन ऐसे वाले
मौके पे नीचर रिएक्शन बोलते हैं, कोई एक्शन हुआ तो उसका इमीडिएट रिएक्शन मेंटेन करना, हम लोग जैसे कि डायरेक्टली टूट पड़ो, पाकिस्तान के साथ वॉर करो, ऐसा वाला विच इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, उससे सिचुएशन और बिगड़ जाएगा. कश्मीर इज ऑलरेडी वेरी वोलाटाइल सिचुएशन. हम लोग कभी बाद में कश्मीर इशू डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि उसका हिस्ट्री ही कॉम्प्लिकेटेड है और उसका डेमोग्राफी कॉम्प्लिकेटेड है, वो लोगों के डिमांड अलग है और इंडिया के कश्मीर से जो एक्सपेक्टेशंस है वो अलग है, कश्मीरी लोगों के इंडिया से जो एक्सपेक्टेशंस है वो अलग है. उनको एलियनेशन हुआ है, मतलब वो इंडियन, अपने आप को इंडियन फील ही नहीं करते. अफ्सपा 1990 से चल रहा है उधर, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, हर एक बच्चा अभी जो भी यूथ है वो पूरा का पूरा पूरा अफ्सपा वाले टाइम में ही इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप. सो दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे उनको सिर्फ गवर्नमेंट फोर्सेस दिखते हैं जो विच आर देयर टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान साइड. सो दैट इज द रीजन दे आर फ्रस्ट्रेटेड. तो उनके जो कंसर्न्स है हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, उनके जो जेन्युइन कंसर्न्स है उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है. नी जर्क रिएक्शन की तरह बिना हिस्ट्री को जाने, बिना पॉलिटिकल सिचुएशन को समझे, बिना लोगों के सभी जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है उनके बिना हम लोग ने आर्टिकल 35A हटा दो, आर्टिकल 370 हटा दो, कश्मीर के इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दो और 10-15 सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, सबको मिटा दो, ये बोलना बहुत आसान है लेकिन ये हो नहीं सकता. हो तो सकता है लेकिन फिर वॉर ही होगा, फिर वॉर ही होगा, फिर बहुत लोग शहीद हो जाएंगे एंड वॉर इज वेरी डेंजरस. वॉर में अपना इकोनॉमी 10-15 साल पीछे चला जाएगा, हजारों करोड़ों रुपए लगते हैं वॉर लड़ने के लिए, छोटा सा छोटा स्कर्मिशेस भी लड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपए रहते हैं, पूरा आर्मी का मूवमेंट होगा, आप लोगों को पेट्रोल वेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा. इंडिया के पास रिजर्व है ना, है क्या? पहले तो थे नहीं, बाद में बना दिए क्या? स्ट्रेटेजिक रिजर्व बोलते हैं उसको. किस लिए? अगर वॉरलाइक सिचुएशन आया और अगर गल्फ से अपने को पेट्रोल नहीं मिल रहा है, ऑयल नहीं मिल रहा है, तो कितने दिन तक इकोनॉमी चल सकता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स. यूएसए 45 डेज का मेंटेन करता है और उसके अंदर ऑयल है, यूएसए में बहुत ऑयल है, पता है ना आपको, यूएसए में ऑयल है, इंडिया में ऑयल है क्या? है, कम है, कम है. हम लोग इसीलिए गल्फ कंट्रीज के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है. तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हम लोग भी मेंटेन करते हैं, 15 दिन का भी मेंटेन करते हैं, अभी बढ़ाने का प्रोसेस चल रहा है, 15 दिन से चल सकता है इकोनॉमी, समझ में आ रहा है? वॉर चला तो, और वो पूरा का पूरा आर्मी के सभी गाड़ियों का मूवमेंट होना शुरू हो गया तो आपको ऑयल ही मिलना बंद हो जाएगा, इकोनॉमी कैसे चलेगा? सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट टू आंसर. लेमैन के लिए सब कुछ आसान है बोलना, वॉर करो, ये करो, वो करो, लेकिन कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेने चाहिए. इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ या इंटेलिजेंस ने ऑलरेडी दिया था, निग्लेक्ट किया, ये बोलना बहुत आसान है, ऐसा नहीं होता है. ऑपरेशंस में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. आपको जो टैक्टिकल डिसीजन लेना है, अभी समझो आपको गाड़ी आते हुए दिखाई दे रही है, आपके ऊपर टकराते हुए दिखाई दे रही है, तो भी आप क्या कर क्या सकते हो, क्या कर सकते हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? गोली मारना, ठीक है ना, लेकिन पता तो चलना चाहिए ना. यू कैनॉट चेक इन ईच एंड एवरी कार. आई एम नॉट जस्टिफाइंग वॉट हैज ऑलरेडी हैपन्ड, बट वॉट आई एम सेइंग इज वी शुड नॉट ब्लेम एनीवन फॉर दिस. ऐसा होता तो कभी भी कहीं पे भी कोई भी जवान मरता ही नहीं था, कभी कोई जवान कभी शहीद ही नहीं होता था ना, इतना आसान होता तो कहीं भी नहीं मरना नहीं चाहिए था ना. 26/11 हुआ, उसमें भी मेजर संदीप पुन्नी कृष्ण मारे गए ना, क्या तो आप बोलोगे उनका गलती है? आप बोलोगे क्या उनका गलती है? गोली मार रहा है तो जाना ही क्यों सामने, बोलोगे क्या? नहीं बोल सकते. कुछ चीजें हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन एक चीज है, दे आर डेस्परेट एंड नाउ the situation is such that they cannot fight full frontal war, या सामने से लड़ नहीं सकते, गोली मार नहीं सकते, फट रही है उनकी, तो ये ऐसे वाले हमले कर रहे हैं. But what is critical और जो सोचने वाली बात है, बहुत दिनों के बाद a Kashmiri youth is involved who is born in India. Kashmir is integral part of India. जो कश्मीर वैली में इंडिया के साइड वाली कश्मीर वैली है ना, जिसको हमारा हम लोग जिसको कश्मीर बोलते हैं, एक दूसरा है पीओके, पीओके वाला नहीं है आदमी, या कहीं अफगानिस्तान से लाया हुआ है, या पाकिस्तान वाला आदमी नहीं है, इंडिया में जिसका जन्म हुआ है, जिसने एजुकेशन पूरा इंडिया में लिया है, दैट यूथ इज इन्वॉल्व विच इज वेरी डिस्टर्बिंग. तो इंडिया नीड्स टू रिवैम हर कश्मीर पॉलिसी, दिस इज फॉर श्योर. इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लोग कश्मीर पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए, वी नीड टू रीथिंक.
उसमें क्या क्या करना चाहिए तभी तो कश्मीर इशू डिस्कस करेंगे तब करेंगे, ठीक है ना। कश्मीर इटसेल्फ में बहुत बड़ा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कम से कम 2 घंटे लगेंगे सिर्फ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि उसका जब तक हिस्ट्री समझेंगे नहीं तब तक उसका आज आपको समझ में ही नहीं आएगा वो ऐसा क्यों है। हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी है। आप राज कपूर की मूवी देखोगे तो राज कपूर की मूवी में तो सभी जगह पे कश्मीर की कली ये वो सब सब तो कश्मीर में शूटिंग चल रहा था। 1989 के बाद प्रॉब्लम शुरू हुआ, 1989 के बाद प्रॉब्लम शुरू हुआ, उसके रीजन भी मैं आपको बताऊंगा और एक नेक्स्ट वीक में एक सेशन लूंगा पूरा इंडिया का सिक्योरिटी सिनेरियो के बारे में। आज ऐसा क्यों है, क्या क्या इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, क्या क्या एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट है और वो कैसे इवॉल्व हुआ पोस्ट 1947, उसका एक सेशन लूंगा तो उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि ऐसा कैसे आ गया, इसके बाद ये कैसे हुआ, अभी बॉम्ब ब्लास्ट और ये कॉमन क्यों है, अभी बॉम्ब ब्लास्ट एकदम से कम कैसे हो गए, आफ्टर 2011 बॉम्ब ब्लास्ट कितने हुए, एक्चुअल बॉम्ब ब्लास्ट बहुत कम हुए, ठीक है ना। 2001 से लेकर 2011 तक आपको ट्रेंड दिखेगा, बॉम्ब ब्लास्ट का ट्रेंड चल रहा है, उसके पहले स्टार्ट हुआ, एक्चुअली ट्रेंड स्टार्ट हुआ मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में, अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद गिरा उसके बाद से स्टार्ट हुआ ट्रेंड, ठीक है। 2011 से कम है तो इंटेलिजेंस एजेंसी काम नहीं कर रही है तो कम कैसे हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही है इसीलिए तो कम हुआ, ठीक है ना। सो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटेलिजेंस एजेंसीज आर करेक्ट, लेकिन उनका काम आपको दिखता नहीं है क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है मतलब वो काम कर रहा है, कुछ तो हुआ तो कुछ तो छोड़ा वो हो सकता है। These things we have to accept and we have to move on, but we will avenge. हम लोग बदला लेंगे, ठीक है ना, हम लोग बदला लेंगे, कब लेंगे, कहां लेंगे, कैसे लेंगे, ये बताने वाली बात ही है नहीं। अभी से बोलेंगे मैं तेरे को इधर आके मारूंगा तो उधर तो वो आएगा ही नहीं, आएगा क्या, वो तो टेररिस्ट है यार, वो तो भागने वाले लोग है, वो लड़ने वाले लोग है ही नहीं, वो लड़ कहां रहे हैं, वो तो आएंगे ही नहीं, आप जाके वेट करोगे, नहीं होता है ऐसा। That is the problem. That is the problem. उसको अनिमन वॉरफेयर बोलते हैं। This is the problem with the proxy war. Actually लड़ी नहीं रहे। Proxy war चल रहा है पूरा का पूरा। क्योंकि लड़ना लड़ सकते हैं नहीं। पाकिस्तान का वही है। लड़ सकते हैं नहीं। पाकिस्तान ने ये proxy war कब करना स्टार्ट कर दिया? बाद में evolution में भी बताऊंगा कैसे हुआ। कब करना स्टार्ट कर दिया पता है? 71 वॉर के बाद। उसके पहले तो पाकिस्तान वॉर कर रहा था इंडिया के साथ, लड़ेंगे सामने से लड़ेंगे, हराएंगे इंडिया को, ऐसा पाकिस्तान प्रैक्टिकली सोच रहा था। 71 वॉर के बाद जैसे बांग्लादेश सेपरेट हुआ पाकिस्तान का स्ट्रेंथ ही खत्म हो गया। 55% पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान बिफोर 1971 वॉज इन ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान मतलब कहां पे? बांग्लादेश। 55% पॉपुलेशन, ओनली 45% पॉपुलेशन वॉज इन वेस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान सही था, सच में लड़ सकता था। इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर आज बांग्लादेश है। सबसे लंबा बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश और पाकिस्तान मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान आप कंसीडर करोगे तो पता चल जाएगा अरे सच में दो फ्रंट में वॉर करना बहुत मुश्किल है। इंडिया को भी इतना बड़ा कंट्री होके भी मुश्किल है, दो फ्रंट पे वॉर आसान बात नहीं है। सो पाकिस्तान तब सोच सकता था, उसके बाद वो सोच ही नहीं सकता है, तो इसीलिए तो प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हुआ। ISI का declared policy against India to bleed India through 1000 cuts. Bleed India through 1000 cuts. मतलब सामने सामने कुश्ती कर नहीं सकते। एक छोटा बच्चा या बुढ़ा आदमी है और एक पहलवान है, इंडिया इसमें पहलवान है अभी, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ तो अभी लड़ ही नहीं सकते। वो तो एक चपट मार देगा तो नीचे बैठ जाएगा, तो क्या करेंगे? उसको मारना भागना, मारना भागना, मारना भागना, ऐसा करके थकाना। This is what strategy they are using. इसको proxy war बोलता है। Directly लड़ना ही नहीं, कभी सामने ही नहीं आना। India का ही internal disturb करो, पूरा internal security situation, so that अंदर के problem में solve करते बैठे। Stability आने मत दो। फिर भी India is very stable। हम लोग कभी पूरा security scenario next time में बात करेंगे, ठीक है? आज का topic क्या है? पहला competitive populism is grave threat to India। कहाँ से आया? कल के लेक्चर से तो आया, अभिजीत सर ने बताया था, लेकिन आया कहां से? ओरिजिनली कहां से है? नॉन वेवर इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं सभी? घोषणा, क्या बोलते हैं इसको? एक मैनिफेस्टो है और प्रोमिसेस, इलेक्शन प्रोमिसेस बोलते हैं ना, उसकी वजह से है। हर बार इलेक्शन आएंगे, हर बार ये होगा, ठीक है ना। कल सर ने समझाया था व्हाट इज कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म,
व्हाट इज कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म, क्या रहता है? कल सर ने बताया ना, बताओ। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले अपने इलेक्टर्स को बताते कि हम वोटर्स को मतलब हम आने के बाद आपको लोन वेव कर देंगे, मोबाइल देंगे, जो भी प्रोमिसेस करेंगे, कौन सी चीज, लेकिन किसके लिए? वोट उनको देने के लिए, वोट उनको देने के लिए, ठीक है ना, जो प्रोमिसेस करते हैं। एंड दैट इज ग्रेव थ्रेट टू इंडिया और इट इज वेरी डेंजरस टू इंडिया। ये हम लोग का टॉपिक है, कैसे है ये हम लोग को ऐसे में बताना है। कंसेप्ट समझ में आ गया? पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है, इलेक्शन से पहले हमेशा वो जितने पावर में आ जाए, अभी वो ऐसा करती क्यों है, वो नहीं बोलती मैं डेवलपमेंट लाऊंगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा, वो तो बोल रहे मैं सब्सिडी दूंगा, मैं लोन तुम्हारा माफ कर दूंगा, समझ में आ रहा है, तुम्हें रिजर्वेशन दूंगा, तुम्हें भी रिजर्वेशन दूंगा, इनका रिजर्वेशन हटा लूंगा या और कुछ तो बोलते हैं ना, ये रीजन को स्पेसिफिक एड दूंगा, तुम मैं पावर में आ गया तो आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दूंगा, मुस्लिमों को रिजर्वेशन दे दूंगा, यही बोलते हैं ना। किस लिए, व्हाई? नहीं नहीं वो तो है, टू कैरी आउट मोबिलाइजेशन इज क्यों, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं डेवलप करेंगे इंडिया को, ग्लोबल सुपर पावर बनाएंगे, इंस्टेंट इफेक्ट ठीक है, लेकिन बट दे आर स्केयर्ड, दे आर स्केयर्ड। स्केयर्ड किसके लिए, डरे हुए हैं किसके लिए, शायद वो जीत के आएंगे नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम। दे आर नॉट श्योर दे विल गेट इलेक्टेड, दे आर नॉट श्योर दे विल गेट इलेक्टेड, री इलेक्टेड, और वी कैन से इलेक्टेड और री इलेक्टेड, समझ में आ गया? तो इसके लिए वो अभी कर क्या रहे हैं, जो इंस्टेंटली लोगों को अपील करती है ऐसी चीजें बोल दो, लॉन्ग टर्म नहीं है, इसमें कोई विजन नहीं है, है क्या, लोन वेव करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या, नहीं सोचा, ठीक है ना, इंस्टेंटली कुछ नहीं होने वाला। तो कंसेप्ट समझ में आ गया और इसके डेंजर्स हम लोग को एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन कैसे करोगे, कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म कैसे इंट्रोडक्शन करोगे, किससे रिलेटेड है कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म, कहां पे रहेगा, चाइना में है क्या, क्यों नहीं है, सिंगल पार्टी कहां पे चलेगा ये कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म, डेमोक्रेसी में, या तो मल्टी पार्टी या कम से कम दो पार्टीज तो होनी चाहिए, ठीक है ना, जहां पे मल्टी पार्टीज है, इंडिया इज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, तो ये कहां पे चलेगा, डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में ही क्यों चलेगा, इलेक्ट कौन करेगा, पीपल, तो यू कैन स्टार्ट विद द डेमोक्रेसी, यू कैन स्टार्ट दिस एस विद द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ पीपल, रूल बाय पीपल, रूल फॉर पीपल, and people are going to decide who is going to rule for them, rule for them, ultimately hai kaun representative bolte hai na, hamare elected representative, they are ruling on behalf of us, theek hai na, public trust doctrine bolte hai isko, ye trust ke upar chal raha hai, hum log ne woh logo ke upar trust kiya hai ki wo hamare favor mein kaam karenge, hamare liye kaam karenge, ठीक है ना। सो यू कैन स्टार्ट विद द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, उसके साथ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इसको ऐसे से कनेक्ट करो ये टॉपिक से, मैटर क्या करता है डेमोक्रेसी में, कौन जीतेगा उसके लिए, कैसे जीत सकता है, वी हैव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, वी हैव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, नॉट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, रिप्रेजेंटेटिव है क्या, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है क्या, कहां है, सिर्फ राज्यसभा में है, यहाँ पे है क्या लोकसभा में, या फिर ये क्या बोलते हैं असेंबली में, स्टेट असेंबली में नहीं है, कौन सा सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का फ्लॉ क्या है, एक आदमी को एक वोट भी ज्यादा हो गया, समझो 10,000 लोगों का वोटर लिस्ट है, उसमें से एक ही आदमी ने वोट किया, 9,999 लोगों ने वोट ही नहीं किया, एक आदमी ने एक आदमी को वोट किया, तो वो जीत के आएगा या नहीं आएगा, इवन दो 9,999 लोगों को एक्चुअली वो दोनों में से एक भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, वो दोनों में से कितने भी लोग हो उसमें से रिप्रेजेंटेटिव है क्या, नहीं है, लेकिन ये सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, उसका ये ड्रॉबैक है, क्योंकि एक एक वोट काउंट करेगा, भी इधर एक एक वोट इधर काउंट करेगा, वो एक एक वोट लाने के लिए हर एक वोटर को अलग अलग अपील करना पड़ता है, ठीक है ना। सो हु इज गोइंग टू डिसाइड हु इज गोइंग टू विन द इलेक्शंस और हु इज गोइंग टू रूल, वोटर्स, वोटर्स। अभी वोटर्स क्या है, इंडिया का वोटर कैसे कैसा है, सभी जगह पे वोटर्स क्या है, डिवाइडेड रहता है,
डिवाइडेड है ना इंडिया में, कौन से बेसिस पे डिवाइडेड है पीपल, सभी पूरा पॉपुलेशन कौन से बेसिस पे डिवाइडेड है? सबसे पहले रीजन, स्टेट्स, फिर लैंग्वेज, फिर रिलीजन, कास्ट, इकोनॉमिक स्टेटस, लोकल इन्फ्लुएंस। और लोकल इन्फ्लुएंस मतलब क्या? कलर इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है, रेस इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इतनी सिटी इंडिया में है कि अलग अलग इतने लोग है ना। नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो अलग लोग है, दे हैव देयर ओन एथनिक एफिलिएशंस और कल्चर, प्रोफेशन ठीक है इतना मैटर नहीं करता है, कल्चरल डिफरेंसेस है, ठीक है, डेवलपमेंटल डिफरेंसेस है, वो रीजनल डिफरेंसेस में आ जाएंगे। तो इतने सारे लेवल पे लोग ऑलरेडी डिवाइडेड है और यूनाइटेड कौन से बेसिस पे है? इंडिया, ठीक है ना, सभी भारतीय है वो एक बेसिस पे यूनाइटेड है। तो अल्टीमेटली जीतने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन में ही इसको ये कर देंगे कि जीतने के लिए क्या करते हैं लोग, प्रॉमिसेस करते हैं। कौन से प्रॉमिसेस करते हैं? जो लोग सुनना चाहते हैं वाले प्रॉमिसेस, जो लोग सुनना चाहते हैं वो प्रॉमिसेस करते हैं, ठीक है ना, भले वो नेशनल इंटरेस्ट में हो या नहीं हो, भले वो सभी के इंटरेस्ट में हो या नहीं हो। सभी के क्यों बोल रहा हूं, आपको जीत के आने के लिए कितना चाहिए? अल्टीमेटली चलो 100% लोगों ने वोट किया तो जीत के आने के लिए कितना चाहिए? एक्चुअली 51% वोट। तो जो मेजोरिटी है उसको वो करने के ये तरीके हैं। मेजोरिटी, यहां पे मेजोरिटी कौन सा आएगा? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रिलीजियस मेजोरिटी वगैरह आ सकता है, लेकिन लोकल जगह पे जब आप करते हो, एक लोकल एक कंस्टिट्यूएंसी है वहां पे अगर मुस्लिम मेजोरिटी है तो वो मुस्लिमों को वो करेंगे, अगर कहीं पे सिर्फ हिंदू मेजोरिटी है अपर कास्ट तो वो अपर कास्ट को वो करेंगे, अगर कहीं पे लोअर कास्ट है तो लोअर कास्ट को क्या करेंगे, उनको ये करेंगे ताकि उनकी वोट उनको मिले। अभी इंडिया में पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट कितना है? 60%। तो 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इट मेक्स सेंस कि उनको अपील करो ताकि आप जीत के आ जाओ, भले उसके बाद क्या करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं, कैसे करते हैं ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इसको कनेक्ट कैसे करोगे, कैसे कनेक्ट करोगे? अभी डेमोक्रेसी तो बता दिया, वोटर इज द पर्सन हु इज गोइंग, वोटर आर गोइंग टू डिसाइड हु इज गोइंग टू रूल इन द डेमोक्रेसी। सो इन मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी एंड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एवरी वोट मैटर्स एंड जनरली मेजोरिटी पॉपुलेशन डिसाइड्स हु इज गोइंग टू विन द इलेक्शंस। सो देयर इज फियर्स कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑल द पोलिटिकल पार्टीज, fierce competition between all the political parties to get elected तो है ही है, to be in the power, इसके लिए क्या करेंगे? To attract more and more number of voters and they are heading or they are using competitive populism for this through by means of competitive populism. By means of competitive, or you can simply start with the what competitive populism is. You can simply start this essay with what competitive populism is. क्या है competitive populism? बता दिया, उसको explain करो, और India में क्या situation है उसको explain करो। हर एक party example आप दे सकते हो, हर एक party अभी क्या बोल रही है, farm loan waiver देंगे, इसको reservation देंगे, उसको special status देंगे, बोल रहे हैं ना। अभी populist measure और क्या क्या है recently किए गए? टैक्स, बजट में टैक्स कम कर दिया, और राम मंदिर पॉपुलिस्ट मेजर है, सर्जिकल स्ट्राइक अभी मत डालो इसमें, कौन राम मंदिर भी डायरेक्टली बोलो मत, आप लिखोगे कैसे? रिलीजियस बेसिस पे अपील करना, ठीक है ना। कोई भी राम मंदिर हो, मस्जिद हो, हम लोग उसकी बात ही नहीं करेंगे, प्रिफरेबली वी शुड अवॉइड दिस, we should keep religion out of this. तो directly आपको लेकिन ये लिखना है तो appeal on the basis of religion, ठीक है ना, या religious monuments ऐसे लिखो ना। few particular political parties are appealing people that they will raise a religious
religious monument which is very important for them to woo the majority population. ना राम मंदिर बोलो ना कोई पार्टी का नाम लो, हम लोग थोड़ी कोई पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, किस लिए? हम लोग तो गवर्नमेंट में जाना है एंड ब्यूरोक्रेसी, और हम लोग जिनका पार्ट होने वाले, वी आर न्यूट्रल. हम लोग का बाप कौन है, हम लोग किसका सुनना है? नॉट गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का है. वो ऑर्डर जो देंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्डर देंगे, हम लोग को फॉलो करना है. तो हम लोग को वहां पे कौन आता है कौन नहीं आता है, एज अ ब्यूरोक्रेट और एज अ ऑफिसर इन आर्म फोर्स, हम लोग को उससे लेना देना नहीं है. हमारे पर्सनल व्यूज अलग है और हमारे जो जो बैलेंस्ड व्यूज होना चाहिए वो अलग है. तो ये आपके रिलीजियस व्यूज कुछ भी हो, ऐसे में मत आने दो. आपका ऐसे फिर वो ऐसे समझेगा, आपकी पेपर चेक करने वाला कौन है उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है. मोस्ट ऑफ देम आर वेरी लिबरल, लेकिन आप एक्सट्रीम व्यूज लिखोगे, नहीं मंदिर यही बनेगा तो फिर तो खत्म हो गया ना. तो यही मंदिर बनाने वाला फोर्स में क्या काम का बताओ, है क्या कुछ काम का? नहीं है. दैट इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग. आपको सिलेक्ट होना है तो कीप योर व्यूज बैलेंस. ठीक है, समझ में आ गया? इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? नेक्स्ट पैराग्राफ क्या करोगे? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया में? पॉलिटिकल पार्टी 1966 तक से कांग्रेस की. राइट. आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस देर वॉज अ डोमिनेंस ऑफ, इवन दो इंडिया एडॉप्टेड मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, देर वॉज अ डोमिनेंस ऑफ मेजोरिटी, वन पार्टी, सिंगल पार्टी. नाम भी मत लो, जरूरत नहीं है, सबको पता है कौन सा था. देर वॉज अ डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ, आप बोल सकते हो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. हिस्टोरिकल तो है ही है, ड्यू टू द मेजोरिटी इन्फ्लुएंस ऑफ अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी का नाम ले सकते हो. बेसिकली इलेक्शन में उन्हीं का रोल बड़ा था, ही वॉज द ओनली नेशनल हीरो, वो पीरियड पे बड़ा हीरो वही थे. तो बाकी के पर्सनल व्यूज अपार्ट, आपको नेहरू जी के बारे में क्या लगता है नहीं लगता है मत लिखो. ठीक है ना, उल्टा पुल्टा मत लिखो, उल्टा पुल्टा मत लिखो. मैं कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं हूँ ना आप बीजेपी का हो, लड़ना शुरू कर दिए, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, सरदार पटेल होना चाहिए. ठीक है, टिल 1966 देयर वाज द डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी, बट आफ्टर 1966 due to the international influences and changing internal scenarios in India, socio-political developmental changes in India, the dominance of single party started waning. तो कम होना शुरू हो गया influence, और एक एक पार्टी इलेक्ट होना शुरू हो गया. एक एक तो सबसे पहले regional parties आए, जो national parties में communist party था बाकी थे वो टिक ही नहीं पाए, लेकिन communist party regional level पे इलेक्ट होना शुरू हो गया और रीजनल पार्टीज का राइज होना शुरू हो गया. ठीक है ना, रीजनल पार्टीज का राइज होना शुरू हो गया. उसके बाद क्या, धीरे 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 सिंगल डोमिनेटिंग पार्टी से कंट्री कहां पे चलता गया, मल्टी पार्टी. एंड मल्टी पार्टी में होता क्या है, अगर कोई एक भी पार्टी डायरेक्टली मेजोरिटी में नहीं आया तो होता क्या है, कोएलिशन गवर्नमेंट. ठीक है ना, इंडिया स्टार्टेड हेडिंग टुवर्ड्स कोएलिशन गवर्नमेंट. एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द कोएलिशन गवर्नमेंट? वेस्टेड इंटरेस्ट, वी डू नॉट से वेस्टेड इंटरेस्ट हियर, नॉट इनस्टेबिलिटी. एंड दे हैव देयर ओन एजेंडाज, दे हैव देयर ओन प्रायोरिटी. फॉर एग्जांपल आप तमिलनाडु का कोई पार्टी आप केस में है, सो दे हैव देयर ओन प्रायोरिटी कि मेरा स्टेट डेवलप करो, पहले मुझे फंडिंग दो. उसके साथ साथ केरला का एक पार्टी है आपके कोएलिशन में, वो बोलेगा उसको फंड मत दो मुझे दो. ठीक है, और नॉर्थ वाला बोलेगा कि मुझे दे दो, तो झगड़ा ही हो रहा है ना, झगड़ा ही चल रहा है. सो अल्टीमेटली जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसके ऊपर झगड़ा चल रहा है. सो देयर इज ऑलवेज अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो ये इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए क्या करते हैं सभी, अभी रीजनल पार्टी को भी इलेक्ट होना है तो भी क्या करेगी, दे विल हैव देयर ओन एजेंडास, और वो बेसिस के ऊपर वो अपील करेगी लोगों को, मुझे ही इलेक्ट क्यों करो, व्हाई आई एम द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट और आई एम द बेस्ट सुटेबल पार्टी टू रूल दिस पर्टिकुलर स्टेट या ये पर्टिकुलर रीजन में, मैं ही अच्छा क्यों हूं. तो उसके लिए अल्टीमेटली क्या चीजें मैटर करेंगी उधर,
अभी कोएलिशन गवर्नमेंट आना स्टार्ट हो गया, कब से आना स्टार्ट हो गया? 67 के बाद आना स्टार्ट हो गया. जनता गवर्नमेंट जो आया 78 का, वो भी क्या था? कोएलिशन था. कितने कितने दिनों में टूट गया? 2 साल तक पूरा टूट गया. ठीक है, फिर इंदिरा गांधी जी फिर से जीत के आई. फिर इंदिरा गांधी जी के डेथ के बाद, इंदिरा गांधी जी के डेथ के बाद, उसके बाद तो सभी कोएलिशन ही थे. जब राजीव गांधी जीत के आए, राजीव गांधी के बाद सभी कोएलिशन थे. एनडीए गवर्नमेंट था, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम. अभी का गवर्नमेंट भी कोएलिशन ही गवर्नमेंट है, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आफ्टर राजीव गांधी कोई मेजोरिटी सीट्स जीत के आया है. नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट जो है अभी मेजोरिटी में जीत के आने के बाद राजीव गांधी के बाद कोई नहीं है. मेजोरिटी कितना लगता है इंडिया के लिए? कितने सीट लगते हैं? 272 प्लस सीट होंगे तो मेजोरिटी. बीजेपी के पास 282 या 284 खुद के सीट्स है. गवर्नमेंट कोएलिशन है लेकिन खुद के सीट्स है. लेकिन अभी आएगा कि नहीं पता नहीं है. ठीक है, अभी आएंगे कि नहीं पता नहीं. सो एवरी पार्टी टू बी इन पावर, व्हाट डू दे डू? दे स्टार्ट अपीलिंग ऑन द बेसिस ऑफ नैरो इंटरेस्ट कंसर्निंग पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर कल्चरल एफिलिएशंस. तमिलनाडु में रहेगा तमिल करेगा तमिल आइडेंटिटी, या फिर द्रविड आइडेंटिटी करके करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है ना, केरला में कोई होगा ह्यूमन राइट्स और उसके बारे में बात करेगा, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में. यूपी में रहेंगे, राम मंदिर के बारे में बात करेंगे. जो उनका पर्टिकुलर पॉपुलेशन है ना, जो उनका कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें लोगों की जो चीजें है, डिमांड तो सभी जगह पे. एक्चुअल डिमांड क्या है? व्हाट आर द एक्चुअल डिमांड्स ऑफ द पीपल? एक्चुअल रियल डिमांड्स, रियल नीड्स. डिमांड्स छोड़ दो, डिमांड पर है. डिमांड्स कैन बी रॉन्ग बट नीड्स सेम है. हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज जिसको बोलते हैं, सोशल सर्विसेज जो गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी देता है वो हेल्थ, एजुकेशन, रोड चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी चाहिए, सैनिटेशन चाहिए. ठीक है, डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहिए. वही है ना, मेनली तो वही है. लेकिन ये सब तो हर कोई बोल रहा है, लेकिन नहीं, मंदिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मंदिर बनने नहीं बनने से आपकी जिंदगी में कितना फर्क पड़ेगा? अयोध्या में मंदिर नहीं है, है या नहीं है? क्या आप बताए क्या आपको? अरे अयोध्या में बहुत सारे राम मंदिर है, ऑलरेडी. तो ये आपका पर्टिकुलर ओपिनियन है, लेकिन अभी ये पार्टीज करके क्या है, आपको अपील करेंगे कि नहीं, ये मंदिर बांधेंगे या मस्जिद बांधेंगे या चर्च बांधेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? तो आपको लगता ही नहीं होना चाहिए. होता क्या है, आप वो पार्टी को इलेक्ट करके दे रहे हो. तो अल्टीमेटली हुआ क्या, मंदिर बांधने से आपके घर में जो गटर है वो रिपेयर हो जाएगा क्या? जरूरी है क्या? मतलब इसका एक दूसरे के साथ कुछ रिलेशनशिप है क्या? सो फॉर पर्टिकुलर नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, फॉर नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, दे आर अपीलिंग ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलिज्म. पॉपुलिज्म मतलब लोगों को क्या चाहिए, जो इररिलेवेंट है, जो देना आसान है. लोगों, मुझे लोन वेवर चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं फार्मर हूं, लोन वेवर चाहिए. मेरा 2 लाख का लोन है, वो वेव कर दिया गवर्नमेंट ने. हु इज गोइंग टू बेयर द बर्डन ऑफ दैट? टैक्सपेयर मतलब कौन? लोग. टैक्सपेयर मतलब सिर्फ इनकम टैक्स प्लेयर नहीं है. नॉट ओनली इनकम टैक्स प्लेयर, इवन बेगर पेज द टैक्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इवन बेगर पेज द टैक्स. वो अगर बिस्कुट का पैकेट लेके आ रहा है उसके ऊपर भी टैक्स है. हम लोग को बहुत बड़ा गलत फहमी है, जो इनकम टैक्स देता है वही टैक्स देता है, जरूरी नहीं है. हर कोई टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हर कोई देता है. डायरेक्ट टैक्सेस कम लोग देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई दे रहा है. ठीक है ना, तो अल्टीमेटली आएगा किसके पास? सर, सभी के पास आएगा. तो सभी के पास, तो जो चीजें होने वाली है कुछ कम लोगों के लिए, समझो कुछ कम लोगों के डिमांड के लिए, बाकी सब लोगों के बड़े इंटरेस्ट पीछे रह जाता है. ठीक है ना, इसको, ये पॉपुलिस्ट मेजर है. इसमें क्या क्या आएगा? नेपोटिज्म आ जाएगा, फेवरेटिज्म आ जाएगा, और रीजनलिज्म आ जाएगा.
कम्युनलिज्म आ जाएगा, कम्युनल अपील हो सकता है, कास्टिज्म आ जाएगा, कास्ट बेसिस पे अपील, तुम मेरे जात का है तो मुझे वोट देना, मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ, नहीं तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। डायवर्सिटी वो सोल्यूशन में आ जाएगा, मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ, आई एम द ओनली मसीहा यू हैव, दिस इज व्हाट पीपल डू। अगर मैं नहीं तो कोई नहीं बचा सकता तुम्हें, मैं नहीं तो कोई नहीं बचा सकता, सब लोग डर देंगे तुम्हें, हर कोई डरा रहा है। क्रिएटिंग स्कैर्सिटी मेंटालिटी, स्कैर्सिटी तो एक्चुअली है, लेकिन लेकिन आर्टिफिशियली उसको बहुत एग्जेजरेट करके दिखा रहा है। रिसोर्सेस लिमिटेड है तो है क्या, सबको बोल देने का मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम्हें ये दूंगा, तुम्हें ये दूंगा, तुम्हें ये दूंगा, अरे लेगा किससे फिर, लेंगे किससे, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, मैंने बोला ना पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर गवर्नमेंट चलता है, गवर्नमेंट इज नथिंग बट अ सर्विस प्रोवाइडर, डू यू एग्री विथ मी। गवर्नमेंट मतलब क्या, बिजनेसमैन है क्या, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है, गवर्नमेंट इज नथिंग बट सर्विस प्रोवाइडर, उसको सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना है ऑन द बिहाफ ऑफ अस, गवर्नमेंट कोई नहीं है, हम लोग ही हम लोग को सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन ऐसे किया तो हम लोग को मिल रहा है क्या कुछ, समझो मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं और कोई डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहा हूं, लेकिन मेरे को कुछ भी फायदा नहीं है वो फार्मर को लोन वेवर देके, है क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि फार्मर को लोन नहीं वेव करना चाहिए, ये कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं घुसेंगे, लेकिन जहां पे जरूरत है, जिसको जरूरत है, दैट टारगेटिंग इज द प्रॉब्लम। अगर समझो 1,00,000 लोग है, 1,00,000 फार्मर है, उसमें से एक्चुअली सिर्फ 10,000 लोगों को फार्म लोन वेविंग का जरूरत है, लेकिन आप 10,000 लोगों के ऊपर तो वोट आपको मिलेंगे नहीं ना, 10,000 लोगों से आप जीत के आओगे क्या, तो आप हर किसी को लमसम सबको दे दिया, होलसेल चलता है ना वैसा कर दिया, सबका फार्म लोन वेवर, तुझे भी ले ले, तू भी ले, तू भी ले, मेरे को बस जीता के दे दे, मुझे कुछ फायदा नहीं है ना उसका, डेवलपमेंट हुआ नहीं, पानी आया नहीं, रास्ते बन नहीं रहे, आपको ट्रैफिक का प्रॉब्लम है पुणे में, सभी सिटीज में है क्या, सभी सिटीज में प्रॉब्लम है ट्रैफिक का, सभी सिटीज में प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, तो इनको समझ में नहीं आता क्या कब क्या करना है, रास्ते बनाना चाहिए ना, दैट शुड बी द प्रायोरिटी, पानी देना चाहिए, दैट शुड बी द प्रायोरिटी, पानी है नहीं अभी टैंकर, अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुआ टैंकर आना शुरू हो गए, एंड पुणे लाइवेबिलिटी इंडेक्स में इंडिया में फर्स्ट है, पुणे लाइवेबिलिटी इंडेक्स में जहां पे रहने के लिए सबसे अच्छे सिटीज में इंडिया में बेस्ट सिटी है, और ये मैंने नहीं लिखाया, उसका एक इंडेक्स है सर्वे वाला, और यहां पे पानी का टैंकर चल रहा है, पानी कम पड़ता है, राशनिंग करते हैं, आज पानी नहीं आएगा, दो दिन बाद आएगा, बाकी के जगह की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, तो इन्होंने ये करना छोड़ के कर क्या रहे हैं, नहीं मंदिर बांधेंगे, कोई भी फार्म लोन वेव कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो जरूरी है वो नहीं, तुम्हें स्पेशल स्टेटस दे देंगे, आंध्र प्रदेश के बारे में, तेलंगाना के बारे में चल रहा है ना, हमें इलेक्ट कर दो, तुम्हें स्पेशल स्टेटस दे देंगे, तुम्हें स्पेशल फंड दे देंगे, कहां पे स्पेशल स्टेटस, कौन सा आर्टिकल ये आपको आना चाहिए, 371 स्पेशल स्टेटस मिलता है, फायदा क्या है उसका, हाँ स्पेशल डेवलपमेंटल एड्स गवर्नमेंट दे सकता है, अभी एक ऐसा स्टेट है और एक एकदम बीमारू जिसको पहले बोलते थे, ऐसा एक स्टेट है जो बहुत ही बैकवर्ड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ले लो, हमारे 7 सिस्टम्स बैकवर्ड है, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ना इंडस्ट्री लगाया कुछ नहीं, लेकिन उनका पॉपुलेशन कम है, इसलिए उधर कोई कुछ कर भी नहीं रहा है, मैटर ही नहीं करता ना उसको कितना जाके अपील करेंगे और कितना जीत के आएगा, तो क्या किया, जो फंड उधर जाने चाहिए थे ले लो तुम्हें, तो सो दैट इज द रीजन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इज नॉट इवन हैपनिंग, आपको सब इम्बैलेंस दिखेगा, तमिलनाडु डेवलप अपने आप से हुआ है, ऊपर से कुछ नहीं आया, महाराष्ट्र अपने आप से हुआ है, ऊपर से फंड आया इसलिए नहीं हुआ, गुजरात अपने आप से हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड आए इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे तो बीजेपी सरकार था और ऊपर तो कांग्रेस था, लेकिन डेवलपमेंट कहां पे दिख रहा है, यही इसीलिए मुंबई में आएंगे लोग, क्यों नहीं आएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री है, नॉर्थ में है ही नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है अभी डेवलप हो रही है, लेकिन मेंटेलिटी कैसा है, अभी भी जात के ऊपर पॉलिटिक्स चल रहा है, बिहार में यूपी में चल रहा है कास्ट के ऊपर पॉलिटिक्स, यादव है हम लोग, यादव के ऊपर चल रहा है सब कुछ,
देखो एजुकेशन दिया नहीं, कुछ नहीं दिया, क्या करेंगे लोग फिर? लेकिन 20-20 साल तक एक ही आदमी जीत के आता है उधर, 20-20 30-30 साल खुद जेल में है, उसके बाद फिर भी इलेक्ट हो रहा है, पार्टी में आ रहे हैं, जीत के आए आए ना। हम लोग को वो कंसर्न नहीं है। व्हाट इज अवर कंसर्न? इंडिया का डेवलपमेंट रुक रहा है, वो हमारा ऐसे से बताना है, बाकी सब चीजें छोड़ दो। हम लोगों को पॉलिटिक्स में पढ़ना भी नहीं है, हम लोगों इसीलिए दैट इज द रीजन वी शुड नॉट टेक एनी नेम्स इन अवर एसेस, वी शुड नॉट टेक नेम्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, वी शुड नॉट इवन कॉमेंट ऑन देम। कोई सटरिकल कॉमेंट का भी जरूरत नहीं है, डिस्कशन करते हो ठीक है, लेकिन सटरिकल कॉमेंट का भी जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको जो करना है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को नौकरी लेना है, एग्जाम क्लियर करना है, इसलिए ये सब चीजों में नहीं, बैलेंस्ड ओपिनियन डालना है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ? मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जैसे आना शुरू हो गया, उसके बाद क्या है, जीत के आना ज्यादा मुश्किल हो गया हर एक पार्टी के लिए, तो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज बढ़ गया। इसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, पॉपुलिज्म के साथ साथ ही चलता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मतलब क्या, आइडेंटिफाई करना किसी के साथ, तो ये मेरी जात का है इसको वोट देते हैं, ठीक है ना। हर जगह पे चलता है, हर जगह पे, यूपी में बोलते हैं यादव यादव को वोट देना चाहिए, नहीं तो बाकी आज तक ठाकुरों ने और राजपूतों ने यादव को सिर्फ दबा के रखा है। हर कोई तो ऐसे ही बोल रहा है ना, मराठा बोलेंगे मराठा को वोट देना है, जाट बोलेंगे जाट को वोट देना है, राजपूत बोलेंगे सिर्फ राजपूतों को वोट देना है, रेड्डीज बोलेंगे रेड्डी को जीत के आना है, तेलंगाना में बोलोगे कि रेड्डी ने लोगों ने हम लोग के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, हर बार आप अभी तो उनको बिल्कुल जिता के नहीं देना है, मुझे जिता के दे दो, ऐसा ही चलता है। दिस इज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। और हर कोई बोल रहा है कि हर दूसरे किसी ने एट्रोसिटी किया है हमारे ऊपर, हर कोई वैसे ही बोल रहा है। अभी तो जनरल पॉपुलेशन भी बोलना शुरू हो गया हमारे ऊपर ही अन्याय हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया डेवलपमेंट इंप्लीकेशंस, प्रॉब्लम्स क्या है, ये हो रहा है तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स? इकोनॉमिक प्रेशर आता है, अगर कोई इकोनॉमिक प्रेशर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एनपीए तो बैंक के लिए हो गया, हाँ इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रेशर इन few measures such as loan waivers shall lead to increase in NPS. Actually, लेकिन government पैसा देता है तो NPS का बात नहीं करेंगे हम लोग, government ही refund कर रहा है ना। Major issues remain untouched. Major issues, major important issues, nationally important issues remain untouched, or they are not given priorities. Such as ये लिखना है आपको कौन से इश्यूज, मतलब ऐसे ऐसे मेजर इश्यूज को अटैच किया नहीं, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच लाइक सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर ट्रांसपोर्टेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दे रिमेन अनटच। और डिविजन पॉलिटिक्स है ये सर, हाँ डिविजन इन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ सब कुछ, कास्ट क्रीड एथनिसिटी रिलीजन रीजन लैंग्वेज कल्चर, ठीक है ना, एंड दैट इज गोइंग टू लीड टू डाइवर्सिटी। नहीं, डाइवर्सिटी तो डिस्ट्रॉय हो गया, इससे क्या होगा, डिसहारमोनी, हार्मोनियसली चल रहा है, आराम से चल रहा है सोसाइटी, डिसहारमोनी एड्रेस डिफिशिएंट पे एक दूसरे के ऊपर ये कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, डिस्टर्ब सोशल फैब्रिक इन द सोसाइटी, इन इंडियन सोसाइटी। अब हम लोग का इंडिया है, इन इंडियन सोसाइटी एग्जांपल देख करोगे और अच्छा लगेगा। सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब हो रहा है तो कैसे डिस्टर्ब होगा? अपर कास्ट पीपल विल लुक एट द लोअर कास्ट पीपल एज, या फिर आप कैसे बोल सकते हो, डिस्ट्रस्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और डिस्ट्रस्ट बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है ना। अभी इनकम टैक्स देने वाले को फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, यार फार्म को वेवर दे रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं दे रहा है, होता है ना ऐसा, टैक्स तो मैं पे कर रहा हूं और लोन वेवर तो उसको मिल रहा है,
और लोन वेवर उसको मिल रहे हैं जिसके 40 एकड़ खेत है, बहुत बड़ा खेत है, उसको लोन वेवर मिल रहे हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े जमींदारों को भी लोन वेवर मिल रहा है, क्यों? अरे देना पड़ेगा, नहीं दिया तो इलेक्शन में जीतेंगे कैसे, फंडिंग कैसे आएगा, क्या कैसे होगा, ठीक है ना। और इससे क्या हो जाएगा, सोसाइटी में करप्शन बढ़ेगा और क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज अम्यूनिटीज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हैव्स एंड हैव्स और हैव नॉट्स के बीच का डिफरेंस गैप बढ़ता जाएगा, कम्युनल टेंशन बढ़ते जाएंगे, और अल्टीमेटली हाँ इट मे लीड टू अल्टीमेट लीड टू फेल्ड स्टेट और फेल्यूर ऑफ द सोसाइटी। If this thing continues, it may lead to failed state. ठीक है? Next, last paragraph, solutions. कैसे लिखेंगे? अभी इसमें बहुत ज्यादा solution का बात नहीं है, क्योंकि ये problem ही ऐसा है कि हम लोग को इसको directly address करके नहीं किया। Solution किसके level पे आ गया अभी? Voter के level पे। Voter के, अरे political parties तो ये सब करते ही रहेंगे, वो थोड़ी बोलेंगे कि मत करो करके, बोलेंगे क्या, नहीं तो जीत के ही नहीं आएंगे, वो तो करते रहेंगे। तो प्रिकॉशन किसको लेने हैं? वोटर को, वोटर को। तो किस किस का रोल आता है? सिविल सोसाइटी का बड़ा रोल आता है, एनजीओस का रोल आता है, और यहाँ इंस्टीट्यूशंस लाइक सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन शुड क्रिएट अवेयरनेस, एजुकेशनल अवेयरनेस नहीं, शुड क्रिएट अवेयरनेस। हाँ एजुकेशन अवेयरनेस में ही आ जाएगा, और मीडिया, रोल ऑफ मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीडिया इज फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, रोल ऑफ मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे ऐसे वाले लाइन बीच में डालते रहना है, और इसमें और आप लिख सकते हो कि जो अवेयर वोटर है वो ये सब चंगुल में नहीं फंस के, he should not fall prey to all these populist appeals and should vote rationally. और इसमें बता दो, because one vote can change the fate of the nation, fate of himself and fate of the nation. Rather than concentrating on narrow political or vested interest at narrow level such as person, caste, creed, community, region, we should vote in the favor of national interest, so that ठीक है, then only we can save India, ऐसा करके लिख सकते हो इसमें। Conclusion, India is still nation in making, हाँ, good practicing, India is still a nation in making, Indian people practicing democracy, it need to promote practical ways, yes. We need to do away with the populist policy and voters need to be more aware about the strategies employed by the political parties to make them vote in favor of them. Okay. We need to concentrate more upon the किसके ऊपर concentrate करना है, more upon the manifesto, जो promises कर रहे हैं fulfill कितना किया, प्रॉमिसेस कर रहे हैं ना, हर बार तो इलेक्शन में प्रॉमिसेस करते हैं, फुलफिल कितना किया, कुछ भी नहीं किया। सो जो प्रॉमिसेस कर सकते हैं, एंड दे शुड हैव विजन, वी ओनली नीड टू वोट द विजनरी पॉलिटिशियंस, विजनरी पॉलिटिकल पार्टीज हु वर्क ओनली इन द नेशनल इंटरेस्ट एंड नॉट नैरो रीजनल इंटरेस्ट, नॉट नैरो इंटरेस्ट, ठीक है। तभी क्या होगा, अरे फ्रीडम फाइटर के सपनों का इंडिया होगा, है ना। अपने स्टैंडर्ड लाइन कंक्लूजन का, फ्रीडम फाइटर जो चीज के लिए दे लेड देयर लाइव्स फॉर, या बता दो ना वो जवान इसी के लिए लड़ रहा है क्या, कि कोई जात के लिए ये हो करके, बोल दो ना, एक जात का कोई था क्या जवान, कल सीआरपीएफ के जितने जवान शहीद हुए परसों, एक ही कास्ट के थे क्या, कोई एक पर्टिकुलर कास्ट से है क्या, कोई एक पर्टिकुलर जगह से है क्या, एक स्टेट से है क्या, उन्होंने किसके लिए जान दिया, देश के लिए दिया, कौन से देश के लिए दिया, जो देश एक जात के ऊपर झगड़ा कर रहा है उसके लिए झगड़ दिया क्या, या उन्होंने राम मंदिर बांधने के लिए जान दिया,
या कोई मस्जिद के लिए जान दिया, किसके लिए जान दिया? एक अच्छा देश जिसमें सभी लोगों के सभी कंसर्न्स एड्रेस हो जाए, हर किसी को बेसिक फैसिलिटीज मिले, बेसिक, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो, हर किसी के पास घर हो, ऐसे वाले चीज है जो है उसके लिए, ऐसे वाले भारत के लिए उन्होंने जान दिया, ना कि कास्ट बेसिस पे या रिलीजियस बेसिस पे या रीजनल बेसिस पे जो डिवाइड कर रहा है वो लोगों के लिए नहीं दिया, ठीक है ना? ऐसा वाला कोई तो एक चीज आप, ये रेडीमेड हो जाएगा एक दो तीन महीने में ना, आपके पास ऐसे वाले कंक्लूजन हो जाएंगे। कंक्लूजन के लिए मैं और एक आपको सोर्सेस कहां कहां से, कंक्लूजन कहां से उठाना है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। प्रेसिडेंट का मैं जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा, दे दूंगा प्रेसिडेंशियल एड्रेस लास्ट ईयर और दिस ईयर, आपको रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मस्त मस्त लाइन मिल जाएंगे, बहुत अच्छे लाइन से, ठीक है ना? इनके भाषण में रहता है, बहुत अच्छा लिखा हुआ रहता है, एक शॉर्ट तीन चार सेंटेंसेस में बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है और बैलेंस बहुत अच्छा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें से आपको आइडियाज मिल जाएंगे। और आपके जो बुकलिस्ट दिया है ना, सभी बुकलिस्ट, वो बुकलिस्ट में आपको कोर्स भी मिल जाएंगे, आइडियाज भी मिलेंगे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होने के लिए आता है ना, वो लास्ट वाले पहले दो पैराग्राफ में आपको हमेशा कंक्लूजन मिलेगा, उसमें से बहुत सारी चीजें आप लाइन बाय लाइन बहुत अच्छा लगे उठा सकते हो, ठीक है ना? आप कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन पर पढ़ रहे हो, आर्टिकल 32 को बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो यही तो उठा के डाल देना है ऐसे में। अभी बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना? आप क्या बोल सकते हो ये ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में बताओ, अवेयर वोटर इज हार्ट एंड सोल ऑफ द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, बुरा लग रहा है क्या? बुरा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है ना? ऐसा बनाओ, ठीक है ना? ऐसा बनाना शुरू कर दो, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, ठीक है? ये समझ आ गए? ये ऐसे में कुछ प्रॉब्लम, ये पर्टिकुलर ऐसे में कुछ प्रॉब्लम है?